लाइफ ग्रीन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की टीम गांव बुधवाड़िया में आज हमारे जागरूक किसान जोशी जी के खेत में पहुंची है। नमस्कार जी। नमस्कार सर। आपका शुभ नाम है? मेरा नाम राम रतन जोशी है सर। तो जोशी जी, आपने तो हर्बल एग्रो एनर्जी तो दवा इस्तेमाल किया था जी, तो ये इसमें आपने कितनी बार इस्तेमाल किया अभी तक है और क्या आपको रिजल्ट मिला है, हमारे जो कॉटन के किसान भाई आपसे जानना चाहते हैं। मैंने इसका 15 दिन की दूरी से 2 स्प्रे किए जी, और पहला स्प्रे करने के बाद में मुझे इसके अच्छे खासे रिजल्ट देखने को मिले जी, और उसके बाद में इसका एक स्प्रे मैंने और करवाया जी। सबसे बड़ी बात इसमें, एक तो सभी लगभग माइक्रो न्यूट्रंस की पूर्ति करता है। अच्छा। हर साल जिस तरह से और माइक्रो फूड या माइक्रो न्यूट्रंस जो डलवाता था, इस बार मैंने वो नहीं डलवाया आपने जी। दूसरी बात है, ये पौधे की ग्रीननेस को मेंटेन रखता है। अच्छा। यानी हरापन जो है वो बनाए रखता है। अच्छा। तीसरी बात है, इसमें जो फल आते हैं जी, वो लगभग 80-90% रुक जाते हैं बरसात के मौसम में भी। अच्छा, रुक जाते हैं। हाँ, यानी बरसात जब होती है नमी के कारण जितनी फ्लावरिंग हो वो गुड़िया गिर जाती हैं जी, इसके स्प्रे के बाद में इसमें अच्छा फायदा मिलता है, रुक जाता है जी। जी हाँ। तो आपके साठ मारने की समस्या आई है क्या खेत में? नहीं, वो जिस तरह से आप देख रहे हो, आप आगे आइए, मैं आपको दिखाता हूँ जी। जैसे ये नीचे तक के पेड़ हैं, तो इनमें जो नीचे के पत्ते हैं ये यहाँ देखिए आप, ये देखिए। अच्छा। जो नीचे के पत्ते हैं उनमें भी अभी तक कोई इस ढंग की कोई बात नहीं, यानी कोई बात नहीं, अभी तक ग्रीननेस है, अभी तक ग्रीननेस है। अच्छा। और ये जो आप इसका बूढ़ा देख रहे हो जी, इसका भी खिलाव जो अच्छा है। अच्छा, ये खिलने में बिल्कुल सही है, एकदम ठीक है, काने नहीं रहे उसमें कोई भी। वैसे तो बीटी कॉटन का जो बोल है वैसे बड़ा होता है जी, लेकिन इस स्प्रे के बाद में, हाँ जी, यानी जो अपनी ये स्प्रे है हर्बल एग्रो, हाँ जी, इसके बाद में प्लस पॉइंट है काफी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसके जो माइक्रो न्यूट्रंस 3-4-5-7 मिला के डालते हैं, बार बार डालते हैं, हाँ जी, हाँ जी, उससे ये आर्थिक स्थिति भी सस्ता पड़ता है, हाँ जी, पैसे के हिसाब से जी, और इसके असर भी है जी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखो जोशी जी, ऊपर तक के टिंडे किस तरह से क्या है कि इसमें बने हुए हैं, बिल्कुल कॉटन के ऊपर का टिंडा शायद नहीं पकता मेरे हिसाब से पूरे इलाके में। ये देखो किस तरह से इसमें ऊपर के टिंडे भी बने हुए हैं। मैं एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि एकदम से फला के ऊपर तक के टिंडे कंप्लीट हो रहे, इसमें आगे की बिजाई वो समय पे हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज 26/9/2019 को ये बहुत ही सत्यापन किया गया है कि हर्बल एग्रो एनर्जी डालने से अच्छे लाभ हैं। बिल्कुल धन्यवाद, और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। धन्यवाद साहब, थैंक यू।